संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र 2030 तक के सतत विकास के लक्ष्यों यानी एसडीजी गोल्स की राह में पीछे चल रहे हैं। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मौजूदा रफ्तार से यह क्षेत्र निर्धारित समय यानी 2030 तक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसका 10% भी हासिल नहीं कर पाएगा। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और उसके संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अप्रैल 2020 में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के तहत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 2030 तक हासिल किए जाने वाले 17 लक्ष्य तय किए गए थे। इसमें गरीबी समाप्त करने, भुखमरी दूर करने, अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर जीवन, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, लिंग समानता, साफ पानी, स्वच्छता, साफ और सस्ती ऊर्जा, बेहतर काम और आर्थिक वृद्धि, इसके साथ साथ जैविक विविधता, नई खोज और अवसंरचना के साथ साथ क्षेत्र में व्याप्त विषमताओं को दूर करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में एसडीजी के तहत तय किए गए 17 में से किसी एक भी लक्ष्य को हासिल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र एसडीजी लक्ष्यों का 10% से भी कम हासिल कर सकेगा। एशिया और प्रशांत एसडीजी प्रगति रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में महामारी फैलने की पहल से इन लक्ष्यों की दिशा में एशिया प्रशांत क्षेत्र 2020 के लिए तय किए हुए लक्ष्यों में पीछे रहा। इस क्षेत्र में 2020 में बेरोजगारी की संख्या 1.5 करोड़ बढ़ गई। वर्ष 2019 के मुकाबले में 2020 में इस क्षेत्र में श्रमिकों की आय 7.1% का नुकसान हुआ, जो राशि के हिसाब से 1,000 अरब डॉलर के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 में लॉकडाउन जैसे उपायों से अनौपचारिक क्षेत्र में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी प्रभावित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के कुछ उप क्षेत्र एसडीजी के लक्ष्यों में से कुछ को हासिल करने के रास्ते पर हैं। इसके साथ साथ पूर्व और उत्तर पूर्वी एशिया गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, जलापूर्ति और स्वच्छ लक्ष्यों को हासिल करने पर आगे बढ़ रहा है।